हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम फाइनली यहां पे बात करने वाले हैं मॉनिटर के बारे में। अगर आपको एक मॉनिटर चाहिए इस सेल में, जो कि अभी बिग बिलियन डे सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और अमेजोन का भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि दोनों की जो सेल की डेट है वो 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे मॉनिटर है जिसपे आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, आज बेसिकली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी से जो पहले मैंने वीडियोस बनाया था उसमें मैंने लैपटॉप्स के बारे में बताया था कि अभी उसकी रेट कितनी है और सेल में कितनी हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं उसे। तो दोस्तों, जितने भी हमारे चैनल्स पे नए व्यूवर्स हैं जो हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनका जो लिस्ट है मैं वो यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर आपका नाम है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेस्ट मॉनिटर अंडर 10K, 15K और 20,000 के अंडर में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पे जो मॉनिटर आता है वो है यहाँ पे 22 इंच का, एसर की तरफ से आता है, VA पैनल है और 75 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी है। तो मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा मॉनिटर ये आपके लिए हो सकता है। अभी जो इसकी रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सेल में इसकी रेट अंडर 6,000 जा सकती है। तो अगर आपको एक बेहतर गेमिंग मॉनिटर चाहिए तो आप इसके लिए बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा एस्पेक्ट्स चाहिए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड मॉनिटर के बारे में, वो आता है यहाँ पे रेनबो की तरफ से, 24 इंच का है, अप्रोक्स आप कह सकते हैं, फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है, आईपीएस पैनल है दोस्तों यहाँ पे, VA पैनल नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आईपीएस पैनल की जो क्वालिटी होती है, आई प्रोटेक्शन मोड वगैरह भी मिलता है, तो आपकी जो है वो आंखों पे चुभेगी नहीं है लाइट्स, तो इसके लिए आईपीएस पैनल काफ़ी बेहतर होता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अभी जो इसकी रेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 रुपीज़ है, लेकिन ये अंडर 10,000 आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर से आपको बेजर लेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉनिटर है हमारे लिस्ट में 27 इंच का, फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है, इसमें भी आपको आईपीएस पैनल मिलते हैं और 60 Hz का रिफ्रेश रेट है दोस्तों यहाँ पे। इसकी जो रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,000, ये आपको अंडर 8,000 देखने को मिल सकता है या फिर 9,000 के अप्रॉक्स में, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मॉनिटर है वो है एचपी की तरफ से, 22 इंच आप अप्रॉक्स कर सकते हैं, आईपीएस पैनल है, 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, 75 Hz के फ्रेश रेट के साथ आता है और 12,000 इसकी अभी जो रेट है, इन सेल में इसकी रेट जो है वो अप्रॉक्स 9,000 या फिर 8,500 ऐसे कुछ जा सकती है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मॉनिटर आता है एसर की तरफ से, 22 इंच का ही है, आईपीएस पैनल है और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। मैं आपका फाइनली टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फालतू का, आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिर्फ कि आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा। अभी जो इसकी रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल में इसकी रेट जो है वो अंडर 9,000 देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मॉनिटर आता है यहाँ पे रेनबो की तरफ से, 27 इंच का है, यानी काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, आईपीएस पैनल वगैरह भी है। अभी जो इसका रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल में इसकी जो रेट है वो अंडर 10,000 जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मॉनिटर आता है बेनक्यू कंपनी की तरफ से, काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है, ये भी मॉनिटर के मामले में काफ़ी पॉपुलर है, आईपीएस पैनल है यहाँ पे, 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी है, 60 Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। अगर आपको थोड़े बहुत काम के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए अगर मॉनिटर चाहिए आपको कॉम्पैक्ट वगैरह, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ों में लगभग आप चीज़ें यूज़ भी कर सकें, तो इसके लिए ये गेमिंग मॉनिटर नहीं है। मैं फाइनली बता दूँ यहाँ पे सिंपल कामों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके रेट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितनी मेंशन है, लेकिन ये जो है वो आपको अंडर 7-8,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका बजट उतना जाता है तो आप फाइनली इसे परचेस कर सकते हैं। ताकि दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है 23.8 इंच के साथ, फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन है, आईपीएस पैनल है दोस्तों यहाँ पर, और कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है, 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, 14,599 रुपीज़ का ये जो है मॉनिटर है, लेकिन सेल में ये मॉनिटर जो है वो अंडर 9,000 या फिर 10,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, तो ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि सैमसंग एक ब्रांडेड कंपनी है और इसकी जो क्वालिटी होती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आईपीएस पैनल है यहाँ पे, फ्रेम रेस मिलता है, यानी जो बेजल्स वगैरह है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, 75 Hz है और इसकी जो रेट है वो आप विश्वास नहीं करेंगे, सेल में 8,000 रुपीज़ चली जाती है। नेक्स्ट मॉनिटर की दोस्तों हम बात करते हैं, ये है एलजी की तरफ से, 22 इंच के साथ, फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन है, आईपीएस पैनल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, इसकी जो रेट है वो 12,399 है, लेकिन इसकी जो रेट है वो लगभग सेल में आपको 8-9,000 के अप्रॉक्स में चली जाती है। नेक्स्ट मॉनिटर की दोस्तों बात करें तो ये मैंने भी परचेस किया था, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड है, एसर की तरफ से आता है और निटको सीरीज़ में, आप जानते हैं कि निटको सीरीज़ एक गेमिंग सीरीज़ के लिए मानी जाती है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड चिप देखने को मिलती है AMD की तरफ से, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को और भी इन्हेंस करती है,
75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। IPS पैनल है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है। तो अगर आपको इस टाइप के मॉनिटर्स पसंद है गेमिंग के लिए या फिर स्ट्रीमिंग के लिए या फिर एडिटिंग के लिए, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी फिलहाल जो रेट है वो मेंशन नहीं है, लेकिन इसे मैंने, आप दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे, 8500 रुपीज़ में मैंने परचेस किया था। हालांकि 10,000 से अंडर चल जाती है इसकी रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी देखने को मिलता है। तो इसको आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं सर नीट्रो सीरीज में ही, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है रिफ्रेश रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है 165 हर्ट्ज़, बाकी सारी चीज़ें लगभग आपको सेम ही देखने को मिलती है, और रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड से भी कम का है, इसीलिए इसके रेट भी जो है वो ज़्यादा है। तो अंडर 15,000 रुपीज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आज के वीडियोज़ में आपका नाम नहीं था तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं जब आप पोल रखता हूँ या फिर कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ तो वहाँ पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा। अगर दोस्तों हमारे वीडियोस आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए सही वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।